You're a sneaker reseller and you are also a sneaker collector. Yeah. So I have always had this question ki many people like buy sneakers, buy expensive sneakers and just keep them in their cupboard. Ki matlab aise le liye par pehen hi nahi rahe. So what is the point in buying sneakers and not wearing them? सर पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि स्नीकर्स कलेक्ट करके क्या होने वाला है, बट लेटर ऑन मुझे ऐसे पता चला कि स्नीकर्स एक्चुअली वर्क लाइक स्टॉक्स. ओके ओके. सो इफ़ यू होल्ड अ स्नीकर, अगर आप एक स्नीकर खरीदते हो और उसको अपने मतलब होल्ड करके रखा है और उसकी अगर मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, बहुत सारे बायर्स होते हैं बाहर, यू कैन सेल इट एट प्रॉफिटेबल प्राइस, यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी जस्ट बाय सिटिंग एट होम. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज इफ देयर इज अ रेयर स्नीकर, किसने अगर कोई रेयर स्नीकर लिया है जो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है और उसने अगर वो स्नीकर को होल्ड करके रखा, एंड इफ इन द फ्यूचर समबडी वांट्स टू बाय दैट स्नीकर, दे कांट गेट इट फ्रॉम द वेबसाइट, दे हैव टू अप्रोच दिस पर्सन और एंड ही कैन सेल दैट स्नीकर एट एनी प्राइस दैट ही वांट्स.